नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल सक्सेस प्लेस में। इस वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय एयरटेल के बारे में। भारतीय एयरटेल जो कि एक जबरदस्त स्टॉक है, अब जो आप देखते हैं कि जो हमारा टेली कम्युनिकेशन सेक्टर है उसमें जियो और एयरटेल दो ही कंपनियां हैं जो कि मेजर रूप से काम करती है, तो ऐसे में काफ़ी बेहतरीन ये स्टॉक हो सकता है आने वाले समय में, अगर और सारे जो कंपनियां हैं अगर वो सर्वाइव नहीं कर पाती, क्योंकि ये सारी जो कंपनियां हैं इस सेक्टर की काफ़ी ज़्यादा कर्ज से लदी हुई है। अगर वो अपने कर्ज को नहीं चुका पाती है निश्चित रूप से कंपनी में जोरदार गिरावट देखने मिल सकता है। ये कंपनी जो है हमारा भारतीय एयरटेल, ये अभी जो है जियो से भी आगे निकल रही है। जो नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स एड हो रहे हैं पर मंथ, उसमें ये जियो को भी लगातार पीछे छोड़ रहा है, तो ऐसे में ये हो सकता है ये कंपनी और ज़्यादा इस सेक्टर में आगे बढ़ चढ़ कर ये हिस्सा ले, मतलब और ज़्यादा रेवेन्यू यहाँ से जनरेट करे। तो इस वीडियो में हम कंप्लीट रूप से जानेंगे टेक्निकल रूप से, फंडामेंटल रूप से कंपनी कितनी स्ट्रॉन्ग है, क्या कंपनी का रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, कितना कंपनी वहां से प्रॉफिट अर्न कर रही है। ये कंपनी जो है हमारा भारतीय एयरटेल, यहां पर देखिए ये 20 डे के मूविंग एवरेज पे यहां पर सपोर्ट लेकर के आज रिवर्सल का संकेत दिया है। अगर यहां कल भी ऊपर यहां पर ट्रेड करने लगता है तो ये जो 200 डे का मूविंग एवरेज है ये सपोर्ट का काम काफ़ी लंबे समय से किया है, लेकिन अगर ये 200 डे के मूविंग एवरेज को ब्रेक कर देता है, इसके नीचे सस्टेन करके ट्रेड करने लगता है, तो एक बड़ी गिरावट यहां से आपको देखने मिल सकता है। लेकिन अभी ये 200 डे के मूविंग एवरेज पे सपोर्ट ले रहा है। अगर ये यहाँ से 200 डे के मूविंग एवरेज को सपोर्ट लेने के बाद यहाँ से बाउंस बैक करता है तो निश्चित है कि यहाँ से हमें एक अच्छा खासा टारगेट देखने मिलेगा। अगर आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे तो ट्रेंड लाइन भी देखिए यहाँ से जबरदस्त है, प्राइस एक्शन काफ़ी फॉलो करता है, तो इस ट्रेंड लाइन तक ये आ सकता है। नीचे तो आप देख सकते हैं कि ये जो 200 डे का मूविंग एवरेज है ये जबरदस्त सपोर्ट का काम कर रहा है, या आप यहाँ से सपोर्ट ड्रॉ भी कर सकते हैं तो भी आप देख सकते हैं यहाँ सपोर्ट से ये बाउंस बैक कर रहा है। तो अगर से सपोर्ट लेकर के ये वापस मतलब मूव करता है ऊपर की ओर तो फर्स्ट ये इस ट्रेंड लाइन तक आ सकता है। अगर इस ट्रेंड लाइन के ऊपर निकलता है या कहें इस प्राइस लेवल के ऊपर निकलता है जो 570 रुपीज है, तो फिर आपको यहाँ पर 600 रुपीज का लेवल देखने मिल सकता है। लेकिन जब ये 600 रुपीज से ऊपर ट्रेड करने लगेगा, 600 रुपीज से ऊपर और 630 को क्रॉस कर जाता है, तो निश्चित है कि आपको यहाँ से जबरदस्त मूवमेंटम देखने मिलेगा, क्योंकि 630 रुपीज जो इसका ऑल टाइम हाई है, ऑल टाइम हाई के ऊपर निकलता है तो फिर यहाँ से आपको सबसे पहला जो इसका टारगेट होगा 1000 रुपीज़ होगा, क्योंकि कंपनी जबरदस्त है, कंपनी बिजनेस भी काफ़ी ज़बरदस्त कर रही है। जो नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स है वो काफ़ी तेज़ी से जियो से ज़्यादा ऐड कर रहा है, तो काफ़ी बेहतरीन है, काफ़ी बेहतरीन शेयर भी है, फंडामेंटल्स भी कंपनी का काफ़ी बेहतरीन है। अगर बात करें तो यहाँ पर देखिए वॉल्यूम का भी अगर आप देखिएगा तो यहाँ लगातार बाय वॉल्यूम आ रहा है, यहाँ देखिए बाइंग वॉल्यूम भी लगातार बीच में आ रहा है, थोड़ा सा यहाँ सेलिंग वॉल्यूम भी आया था, तो वॉल्यूम भी धीरे धीरे यहाँ पर एक्युमुलेट हो रहा है, तो हो सकता है यहाँ से ये स्टॉक जो अप मूव करे, तो ये बेस्ट टाइम है, आप इसमें SIP स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छे प्राइस लेवल पे भी स्टॉक मिल रहा है, 500 रुपीज़ के आसपास ये स्टॉक आपको मिल रहा है। अगर बात करें इस कंपनी के फंडामेंटल्स का, कंपनी का फंडामेंटल्स काफ़ी ज़बरदस्त है। देखिए 2,91,000 करोड़ का मार्केट कैप है और एक लार्ज कैप कंपनी है, करेंट प्राइस 530 रुपीज़ के आसपास है, और इस कंपनी के डिविडेंड यील्ड की बात करें तो वो भी काफ़ी शानदार है, 0.38% का डिविडेंड यील्ड है। वहीं रिटर्न ऑन इक्विटी कंपनी का निगेटिव है, यहाँ पर आप देख सकते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी जो है कंपनी का निगेटिव है। वहीं रिटर्न ऑन कैपिटल इम्प्लाइड जो है 12% है, और प्रमोटर्स का होल्डिंग 55.9% है। वहीं प्रॉफिट ग्रोथ 53% देखने मिला है, जबकि प्रॉफिट अभी भी कंपनी का निगेटिव है। नेट एनुअल प्रॉफिट जो है -15,000 करोड़ है, जो कि पिछले साल से कम है, मतलब पिछले साल की तुलना में थोड़ा इम्प्रूवमेंट देखने मिला है, लेकिन यहाँ से थोड़ा सा डेट कंपनी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा देख सकते हैं। 1,62,000 करोड़ का कंपनी के ऊपर डेट है, और इन्वेस्टमेंट भी कंपनी कर रखा है 27,000 करोड़ का, और कंपनी के पास रिजर्व है 56,000 करोड़ का, तो कंपनी थोड़ा सा डेट बर्डन है कंपनी के ऊपर, तो अगर कंपनी का डेट बर्डन कम होता है निश्चित रूप से कंपनी अच्छा खासा परफॉर्म करेगा। वहीं कंपनी के प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ देख सकते हैं कंपनी का जो प्रॉफिट है -15,000 करोड़, जो कि पिछले साल के तुलना में लगभग आधे से भी कम है, क्योंकि नेट लॉस जो है पिछले साल 32,000 करोड़ का था, इस बार 15,000 करोड़ का, तो जो नेट लॉस है कंपनी का वो डिक्रीज हुआ है, मतलब प्रॉफिट निगेटिव है, मतलब लॉस हुआ है कंपनी को। वहीं कंपनी के बैलेंस शीट को देखेंगे तो रिजर्व कंपनी का
यहाँ पे कम हुआ है। देख सकते हैं पिछले साल रिजर्व 74,000 करोड़ का था, इस बार 56,000 करोड़ हुआ है, तो रिजर्व भी कंपनी का डिक्रीज हुआ है। लेकिन ओवरऑल कंपनी का जो बिजनेस है वो काफ़ी सॉलिड है, सेक्टर लीडिंग कंपनी है। कंपनी के बिजनेस देखेंगे तो वो भी काफ़ी सॉलिड देख सकते हैं। जो 14 कंट्रीज अफेरिका में वहाँ कंपनी के बिजनेस है, साथ साथ इंडिया में, श्रीलंका में, इस तरह से कंपनी का बिजनेस जो है वो भी काफ़ी डाइवर्सिफाई है। और साथ साथ कंपनी का जो वर्ल्ड वाइड बिजनेस है, तो एक एमएनसी कंपनी है और हमारे देश की बहुत ही बेहतरीन शानदार कंपनी है। जियो की टक्कर में जो ये कंपनी है अभी ज़्यादा नंबर ऑफ सब्सक्राइबर ऐड कर रही है। वहीं आप इसके कंपनी के बिजनेस के बारे में देखना चाहते हैं, कंपनी कौन कौन से बिजनेस करती है, तो कंपनी तो सब्सक्राइबर ऐड करती ही है कि जो हम टेली कम्युनिकेशन सर्विस है, जिसमें हम डाटा की बात करें, चाहे हम टेलीफोन की बात करें, तो उसके लिए कस्टमर मतलब उसके लिए सर्विस प्रोवाइड करती है। और सारे साथ ही साथ जो भी प्रोडक्ट है कंपनी का, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं एयरटेल कनेक्टिविटी, हम कनेक्टिविटी लेते हैं वॉइस कॉल के लिए, वीडियो कॉल के लिए, साथ ही साथ डाटा के लिए। तो यह कंपनी के सारी बिजनेस के बारे में देख सकते हैं, कंपनी कौन कौन सी सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है इस सेक्टर में वो भी आप देख सकते हैं। तो ओवरऑल कंपनी का जो बिजनेस है काफ़ी बेहतरीन है। कंपनी के बिजनेस अगर सॉलिड हो, निश्चित है कि आने वाले समय में अच्छा खासा ग्रोथ देखने मिलेगा। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा कि पहला जो हमारे यहाँ से अगर ये बाउंस बैक करता है, पहला टारगेट हमारा ये ट्रेंड लाइन होगा या गई है कि 570 रुपीज़ हमारा पहला टारगेट होगा, उसको क्रॉस करता है तो फिर हमारा 630 रुपीज़ दूसरा टारगेट होगा, उसको क्रॉस करता है तो फिर ये स्टॉक आपका जो मोमेंटम है वो 1000 रुपीज़ तक दिखा सकता है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो हेल्पफुल लगा हो, तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, चाहे पहली बार है सब्सक्राइब कर लीजिएगा।